नमस्कार मित्रों, ज्ञानी मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है चाणक्य नीति की एक ज्ञानवर्धक वीडियो। मित्रों, ज्ञान कैसा भी हो लेकिन अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, इससे भविष्य में आने वाली सभी वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। अब चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, फिर बात धन के रूप में हो या अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर की गई हो, दोनों ही तरीके सही हैं। हमारे समाज में किसी की मदद करने को अच्छे संस्कार के रूप में दर्शाया जाता है। दोस्तों, यह सच है कि हम मदद करने से पहले अधिक सोचते नहीं हैं। यदि हमें लगे कि किसी को मदद चाहिए तो हम झट से तैयार हो जाते हैं। मदद करने से पहले उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में गहराई से जानने के हम अधिक इच्छुक नहीं होते। लेकिन दोस्तों, आचार्य चाणक्य की इस बारे में कुछ और ही राय है। दोस्तों, चंद्रगुप्त को महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य बनाने वाले एवं प्राचीन भारत के महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य जी ने जीवन के कई उसूलों पर भी बात की है। उन्होंने अपने जीवन काल में विभिन्न अध्ययनों द्वारा व्यक्ति के चरित्र को गहराई से बताया है। मित्रों, इंसान की सोच और उसके विचारों को बखूबी समझकर आचार्य चाणक्य जी ने अपने श्लोकों द्वारा लोगों को यह समझाया है कि कब, कहां और कैसे लोगों से हमें खतरा हो सकता है, कौन सही है और कौन गलत है। मित्रों, इन श्लोकों के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि कौन हमारे लिए सही है और कौन हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। दोस्तों, चाणक्य के इन श्लोकों में छिपी नीतियां दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इन्हीं नीतियों में से आचार्य चाणक्य जी की एक नीति मदद करने से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार हमें लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए, लेकिन तीन ऐसे लोग हैं जिनकी मदद कभी नहीं करनी चाहिए। ये लोग चाहे कितनी भी जरूरत में क्यों ना हो, लेकिन इनकी मदद कभी ना करें, ऐसा चाणक्य जी ने कहा है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वे ऐसे कौन से तीन लोग हैं जिनकी मदद हमें कभी नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार ऐसे लोगों की मदद करना खुद का नुकसान करने के बराबर है, इसीलिए इन लोगों की मदद करना व्यर्थ है। दोस्तों, किसी स्त्री को परेशानी में देखना और फिर उसकी मदद के लिए जाना एक स्वाभाविक है, लेकिन चाणक्य जी के अनुसार हर एक स्त्री मदद करने के लायक नहीं होती। चाणक्य जी का मानना है कि वे स्त्रियां जो अपनी गलतियों की वजह से परेशानी में फंस जाती हैं, जिनका काम ही बुरे काम करना है और फिर समस्याओं का शिकार हो जाना है, ऐसी स्त्री की मदद करना व्यर्थ है। दोस्तों, इसके बाद आचार्य चाणक्य जी बताते हैं, यदि आप ऐसी स्त्री की मदद करने भी जाएंगे तो स्वयं किसी नई उलझन का शिकार अवश्य हो जाएंगे। ऐसी स्त्री का बुरा स्वभाव एवं लक्षणहीन होना ही उसकी समस्याओं का कारण होता है। ऐसी स्त्री से दूरी बनाए रखें और उसकी मदद ना करें। मित्रों, इसके बाद आचार्य चाणक्य जी बताते हैं, उदास होना स्वभाव का एक हिस्सा है जो परिस्थितियों के कारण ही उत्पन्न होता है, लेकिन वे लोग जो हर समय उदास रहते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार हर समय बिना किसी बात के उदास रहने वाले लोगों से जितना जल्द हो सके दूरी बना लें, क्योंकि अगर आप इनकी मदद भी करेंगे तब भी वे अंत में खुशी जाहिर नहीं करेंगे। इनका काम ही उदास होना है। आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, व्यर्थ ही उदास रहने वाले इंसान को खुश नहीं कर सकते। मित्रों, ऐसे लोगों की सोच में ही नकारात्मकता भरी होती है। जब तक इनकी यह सोच इन्हें नहीं छोड़ेगी, तब तक आपका इनकी मदद करना व्यर्थ यानी बेकार रहेगा, क्योंकि अंत में ये लोग फिर से खुद को, आपको या परिस्थिति को बिना किसी ठोस कारण के दोष देते हुए फिर उदास हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार मूर्ख की मदद करने वाला इंसान स्वयं ही मूर्ख कहलाता है, क्योंकि आप एक बार मूर्ख की मदद करेंगे, शायद दोबारा भी करें, लेकिन आखिर कब तक उसकी मदद करेंगे। अंत में उसकी मूर्खता उसे वापस वहीं लाकर खड़ा कर देती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसे लोगों की मदद करने से आप उन्हें एक सही मुकाम तक ले जा सकते हैं तो आप गलत हैं। इन्हें सलाह देना या राय दिखाना ही मूर्खता भरा है, क्योंकि अंत में ये अपनी नासमझी से सब खराब ही कर लेते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में मैंने आचार्य चाणक्य जी के द्वारा बताए गए ऐसे तीन लोगों की मदद ना करने के बारे में बताया है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मित्रों, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया इस पेज को लाइक करें
और यदि YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आप भविष्य में आने वाले सभी वीडियो आसानी से देख पाएंगे। मित्रों, मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फेयरलेस।